नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा थोरिया। उत्तर प्रदेश के पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के बाहर आत्मदाह करने वाली युवती को आत्महत्या के लिए उकसाने को लेकर मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें, रेप पीड़िता ने ठाकुर पर आपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था। नए राजनीतिक दल के गठन का ऐलान कर चुके ठाकुर के खिलाफ ये कार्रवाई एसआईटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है। आपको बता दें, दिल्ली में गैंगरेप पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर आत्मदाह की कोशिश की थी। इस मामले में बीएसपी सांसद अतुल राय पर आरोप लगे हैं। इसके अलावा पीड़िता ने कई पुलिस अफसरों पर भी आरोप लगाए हैं, जिसमें अमिताभ ठाकुर का भी नाम शामिल है। अमिताभ ठाकुर पर रेप पीड़िता ने गंभीर आरोप लगाए। उन पर रेप करने के आरोपी सांसद अतुल राय को बचाने के लिए मुख्तार अंसारी की शह पर पीड़िता के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोप लगा है। हाल ही में अमिताभ ठाकुर को लखनऊ स्थित उनके आवास पर नजरबंद भी किया गया था। आपको बता दें, रेप पीड़िता ने खुदकुशी के पहले अमिताभ ठाकुर, मुख्तार अंसारी और अतुल राय के रिश्तों का खुलासा किया था। पीड़िता ने अमिताभ ठाकुर पर पूरा षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था। पीड़िता ने खुदकुशी से पहले जारी वीडियो में कई बातें कही थी। उसने नूतन ठाकुर पर भी आरोप लगाया था। अमिताभ ठाकुर ने शुक्रवार को एक नए राजनीतिक दल अधिकार सेना के गठन का ऐलान किया है। इससे पहले बीते शनिवार को अमिताभ ने उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया था। उन्हें गृह मंत्रालय के फैसले के अनुपालन में 23 मार्च को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।